तो इस बार भी उनको एक्स्ट्रा टाइम कस्टमर्स। मीन्स एक्स्ट्रा मेहनत मीन्स एक्स्ट्रा दिमाग खर्च मीन्स एक्स्ट्रा टेंशन नॉट मीन्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम, गुस्सा नॉट एक्स्ट्रा इनकम बट अनफॉर्चुनेटली अंडर एक्स्ट्रा इनकम। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबके दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं बता दूँ मैं अभी सो के उठी हूँ और बज रहे हैं शाम के 6। ब्लॉगिंग अब शुरू की है क्योंकि सुबह से थोड़ा काम वाम ज़्यादा था तो समय हमने ब्लॉगिंग नहीं करी। और ये चल रही है हमारी चाय जिसमें मैं अभी दूध डालूंगी। तो चाय हम लोग पीने जा रहे हैं, इसके साथ है पेटीज जो नॉर्मल आलू वाली होती है वो पेटीज, तो इसके साथ हम लोग खाएंगे। तो चाय बन जाए फिर बैठती। तो ये रही हमारी पेटीज आलू वाली और ये डिजाइन के पेटीज मैंने पहली बार देखी है। ये फैक्ट्री चला दो बढ़िया होती थी ये वाली। क्या कर रही है उसमें पनीर शिमला मिर्च प्लेट लाओ एक वो बढ़िया और ये काफी फैलावन वाला काम होता है। और ये रही हम लोगों की चाय, ये अपने में से थोड़ी है ना। चलिए फिर हम लोग खा लेते हैं फिर मिलते हैं। और ये पेटीज बहुत ही टेस्टी है। अंदर से इसमें पनीर की फिलिंग है और शिमला मिर्च की टेस्ट तो काफी अच्छा है और बहुत हैवी भी है खाने में। तो इसको खाने के बाद लगता नहीं है कि देर तक भूख लगेगी रात तक, देखते हैं तो इसको खाते हैं। तो अब हम लोग आ गए अपने किचन में और बज रहे हैं रात के 9:30 और बनने जा रहा है मटर पुलाव। तो चलिए फिर मटर पुलाव बनाते हैं और साथ में रखते हैं आपको। आज मैंने लाइव भी किया था, अभी अभी लाइव ख़त्म किया है मैंने, शायद 15 मिनट या आधा घंटा हुआ लाइव ख़त्म किया है। तो प्लीज़ आप लोग जाके वो लाइव भी एक बार चेक कर लीजिए। मेरा पहला लाइव था, मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है पर मैंने किया। सो प्लीज़ सपोर्ट मी और जाके मैं लाइव चेक कर लीजिए। और चलिए फिर हम लोग बनाना शुरू करते हैं मटर पुलाव। तो मटर पुलाव बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और फिलहाल मैं भगोने में बना रही हूँ कि ज़्यादा नहीं बनना है इस वजह से। तो अभी मैं इसमें तेल डालने जा रही हूँ, तेल ऑयल सरसों का तेल। तेल अपन लोगों ने डाल दिया है और तेल गर्म होएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता और थोड़ा सा जीरा और प्याज। प्याज लाल हो रही थी हम लोगों ने बना लिया है मसाला। ये मैंने लिया है अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है ये, और ये है पिसा हुआ गरम मसाला जिसमें छोटी इलायची बड़ी इलायची जौ जावित्री लौंग जायफल काली मिर्च सब पिसा हुआ है। और ये लिया है मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर।
अब हम इन सब मसालों को कर देंगे मिक्स। हमने इसको ढक के रख दिया है। अब एक उबाल आने तक इसको ढके रहने देंगे, उसके बाद इसको स्लो करके दम पे लगाएंगे और उसमें शायद रंग डालेंगे या नहीं डालेंगे, पता नहीं, देखते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल अभी इसमें एक उबाल आना है, उसके बाद देखते हैं। तो आहा, इसमें उबाल आ गया है, तो अपन लोग एक बार चला देंगे इसको। चावल भी लगभग गलने की कगार पे, तो इसको चला देते हैं। और हम गैस की फ्लेम को करेंगे स्लो। और इसके ऊपर और अब सीधा इसको देखेंगे जब दम पे लगने वाला होगा तब। आइए चावलों को एक बार और चेक कर लेते हैं। खुशबू आ सकती है, सूंघिए आप लोग, खुशबू सूंघिए। सॉरी। तो हम लोग इसको एक बार और चला देंगे। एक हाथ से चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चला रही हूँ जैसे तैसे मैनेज करके। अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, अभी है गीला।
खिले तो नहीं दिख रहे अम्मा ना। अब अम्मा आ रही इंस्पेक्शन करने के लिए। सही है ना, बहुत खिले हैं और ना गीले। लग रहा होता है क्या, चेक किया होगा? नहीं चेक नहीं किया अभी, हो तो क्या होंगे ना, बस दम लगना बाकी है। सारी मेरी है। और ये आए हैं रात में, हम बोल लेते हैं अभी 11:15, फिर से देर हो गई थी। और अब गर्मी आ रही है, 3 कॉल्स नहीं रिसीव हुई है मेरी, 3 कॉल्स नहीं रिसीव करी है, बताया भी नहीं कहाँ थे। अच्छा, और आते के साथ ही खाने पे टूटे। यार ऑफिस में बहुत ज्यादा लेट होने वाले हैं, गर्मी आने वाली है, गर्मी आ चुकी है लगभग, ऑफिस में बहुत ज्यादा लेट होंगे, बेवकूफी होगी और जस्ट मेसअप जिससे मेरा मूड खराब होता है। तो एक्स्ट्रा टाइम मींस एक्स्ट्रा मेहनत मींस एक्स्ट्रा दिमाग खर्च मींस एक्स्ट्रा टेंशन मींस एक्स्ट्रा गुस्सा, नॉट एक्स्ट्रा इनकम बट अनफॉर्चुनेटली अंडर एक्स्ट्रा इनकम। तो चलिए खाना खा लेते हैं, इसके बाद जिंदगी बर्बाद हो गया। करो भैया कुछ प्रमोशन वमोशन करो भैया। जरूरी है, नारे लगाए जाए प्रमोशन के, प्रमोशन करो प्रमोशन करो। चलिए तो फिर खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको तसल्ली से मिलवाते हैं। तो जी खाना पीना हम लोग खा चुके हैं और बाहर टहल रहे हैं पूरा खानदान हम लोगों का। क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, सब इधर से उधर उधर से इधर की, पापा जी मम्मा और चाची मेरी बहन अलीनाज सब लोग, और मच्छर इतने हैं कि इनको चबाया जा रहा है मच्छर। तो और मैं भी बाहर हूँ, और ये है हमारे घर में गुलची का पेड़, गुलची है नहीं, दिस इज नॉट गुलची, फिर इसको कहते हैं कनेर। ओह सॉरी कनेर, मैंने बोला ना पेड़ों की इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है मेरे पास। और ये इसका कुछ तो मतलब फल टाइप का रहता है, ऐसे रात में पेड़ छूने नहीं चाहिए, मैं छू रही हूँ फिर भी, कुछ फल टाइप का है जिसमें फूल निकलते हैं, नहीं ये टपक जाता है। काश कि अमरूद का पेड़ होता, मज़ा ही आ जाता, पर ये अमरूद का पेड़ नहीं है, कनेर है। तो चलिए फिर सब बैठे हैं, हम लोग भी बैठते हैं और अंधेरा देख सकते हैं, चलिए फिर इंजॉय। तो बाहर से घूम घाम के और तफरी मजाक करके आ चुके हैं हम लोग अंदर वापस घर में, और मैं बता दूं घर का माहौल और मौसम एकदम गर्म हुआ हुआ है, और बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। गर्मी आई डोंट लाइक भाई, और गर्मियां नहीं अच्छी लगती यार, लिटरली गर्मियां नहीं अच्छी लगती हैं हमको, तो सर्दियों का मौसम बहुत बेस्ट होता है। तो अब इसी दुख और दर्द और पीड़ा के साथ इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज जो लाइव हुआ है उसको देखना मत भूलिएगा, हालांकि आज नहीं हुआ, हुआ तो पहले है, ये वीडियो आई है 2-3-4 दिन बाद, तो आप लोग जाके वो लाइव ज़रूर देख लें, मेरा पहला लाइव था। तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, टू आर यूट्यूब चैनल विच इज़ खुशनूर्स व्लॉग। और हाँ प्लीज यार अनसब्सक्राइब मत करो यार, प्लीज प्लीज यार, टाटा।